वेलकम टू जी के वर्ल्ड। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ आपके लिए, इसमें मैं मोस्टली रीजनिंग के पार्ट को, जी हाँ, मैं रीजनिंग के उन चैप्टर्स को बता रहा हूँ जो आपको UPSI के लिए पढ़ने हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा कसम कस है UPSI के पेपर के लिए। कई लोग बोल रहे हैं कि 12 को पेपर नहीं होगा, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 12 को पेपर होगा। देखो, मैंने अपने चैनल पर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दी है कि मतलब UPSI का पेपर 12 से है ही। मैंने भी उसमें भी बोला था अपनी वीडियो में कि शायद हो सकता है। देखिए यार, अगर हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि 12 को पेपर है, तो यार हमें तो पढ़ना ही है ना। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे दे पाएंगे? क्या इतनी जल्दी आप तैयारी कर लेंगे? तो क्यों ना हम तैयारी करते ही चले भाई। 12 को पेपर होता तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है, पर हमारी तैयारी तो हो जाएगी ना। तो मैंने UPSI के लिए जो रीजनिंग का टॉपिक है, जी हाँ, मैंने कुछ 12 चैप्टर ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके सिवा आप ज़्यादा परेशान ना होए और कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपने इन 12 चैप्टर को पढ़ लिया तो आपका तो रीजनिंग का सेक्शन क्लियर हो गया। तो आपका जितना फोकस होना चाहिए इन 12 चैप्टर की ओर होना चाहिए, बाकी आप देख लें, बट इन्हें आप बहुत अच्छी तरह से देख कर जाए। चलिए देख लेते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। जी, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए देख लेते हैं। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग, देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो तो कोडिंग एंड डिकोडिंग से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देख कर जाएँ। इसके बाद दिशा और दूरी, जी हाँ, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, तो इसे भी आप देख कर जाएँ। न्याय और नियम, सिलोलिम्स, ये UPSI का पेपर अगर आप देने जा रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा कि इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है, तो आप इसे ज़रूर देख कर जाएँ। इसके बाद मशीन इनपुट, जी हाँ, अगर आपने पहला जो 17 जुलाई को पेपर हो रहा था तो आपने देखा होगा कि इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और इसे लोग काफ़ी परेशान भी हो रहे थे क्योंकि रीजनिंग जो है बैंक लेवल की है। तो आप मशीन इनपुट को तो ज़रूर देख कर जाएँ। इसके बाद बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, इसे भी आप बहुत बढ़िया से देख कर जाएँ क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। इसके बाद कैलेंडर, कैलेंडर भी आपके पेपर में पूछा जा रहा है तो आप इसे ज़रूर देख कर जाएँ। घड़ी, जी हाँ, ये भी क्लॉक, ये भी काफ़ी पूछा जा रहा है तो इसे भी आप देख कर जाएँ। श्रृंखला, रक्त संबंध, तार्किक वेन आरेख, जी हाँ, लॉजिकल वेन डायग्राम, ये भी काफ़ी एग्जाम में बार पूछा गया है तो इसे भी आप देख लें एक बार। क्रम निर्धारण, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये भी काफ़ी पूछा गया है, इसे भी आप देख लें। अंगणती तार्किक अध्ययन, ये भी काफ़ी पेपर में पूछा गया है, इसे भी आप ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, कि अगर 12th को पेपर होता है तो ठीक है, या आगे होगा, तो फिर भी आपको इन टॉपिक्स को तो क्लियर करना ही करना है, तो आप बस इन्हें पढ़कर जाएं। इसके सिवा आप कुछ भी ना पढ़ें, अपना टाइम वेस्ट मत करें, और आप पढ़ते रहें। पेपर होता है तो ठीक, ना होता है तो ठीक, बट आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे रहें क्योंकि ये री एग्ज़ाम है, और री एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा फोकस नहीं करता है बोर्ड। हो सकता है कि पेपर 12 से ही हो, कंफर्मेशन हो 12 की, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू।